हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं, और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम IIFT, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड करके जाना जाता है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर का इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, तो मैं उसको कवर करूँगा। सो मेक श्योर आप एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट वाले PDF में। सो दिस इज द एडवर्टीजमेंट एंड IIFT इज़ अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, मैं आपको बताया था प्रीवियस एक वीडियो में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी कितनी टाइप्स होती हैं। हमने समझा था इसको हायर एजुकेशन वाले टॉपिक में, जहाँ पर मैंने आपको प्रीमियम क्लासेस के थ्रू जो मैं UGC नेट पेपर 1 की MCQs जब मैंने आपको डिस्कस किए थे, तब मैंने बताया था कि कितने टाइप की यूनिवर्सिटी होती हैं, जहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। तो वहाँ पर हमने इसके बारे में समझा था। गाइज, यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, मैं आपको बता दूँ जो IIFT है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज़ ओपनिंग्स फॉर फैकल्टी पोजिशन फॉर इंडियन नेशनल्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कोई भी अप्लाई कर सकता है एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट, और अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपका अकेडमिक रिकॉर्ड, टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस एंड वर्किंग रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है वो देखा जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट डेट अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की, दैट इज 26th of May 2021। और यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है, एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आपको जाकर के अप्लाई करना है। जो इसका लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइज, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने टाइम पर इनको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपको अपलोड करना है: एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, और इसके अलावा UGC नेट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपका एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड रहता है, बट इन केस ऑफ प्रोफेसर वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, NOC फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर एंड कॉपी ऑफ रिसर्च पेपर डिटेल्स फ्रंट पेज एंड अपडेटेड CV गिविंग द डिटेल्स ऑफ ऑल पब्लिकेशन अवार्ड एंड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया हुआ है, किसी टाइप का आपको अवार्ड मिला हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे आपको अटैच करना है, जो भी आप CV में अपलोड मेंशन करेंगे। गाइस, यहाँ पे याद रखना आपको जो हार्ड कॉपी है, नो डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड इन हार्ड कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं अप्लाई करने का। यहाँ पर जो आपका पे स्केल है वो आपका अकॉर्डिंग टू आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। लाइक प्रोफेसर का पे स्केल जो होता है लेवल 14 का होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, 1,59,100 to 2,20,200 के अराउंड इनका रहता है पे स्केल। तो हम आगे चलते हैं फटाफट से, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी फील्ड में आपकी वैकेंसी निकली है। यहाँ पर ये जो आपको एक्सपीरियंस दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका प्रोफेसर लेवल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपको PhD डिग्री जरूरी है, इसके अलावा आपके पास 10 रिसर्च पेपर होने जरूरी हैं, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और इसके अलावा गाइस आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं आपको इसमें मेंशन करनी है अगर आप एक एज ए प्रोफेसर लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, दैट इज़ मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स। इसके अलावा आपको नेट या फिर सेट स्लेट जो है आपका वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, PhD डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एंड 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बाद गाइज, यहाँ पर जो पे स्केल रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग, दैट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और जो ऊपर वाला मैंने दिखाया था आपको दैट वॉज योर रेगुलर पोस्ट, जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर दिखाया था दिस वॉज ऑन रेगुलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर वालों का जो है वो पे लेवल 11 का है, और इनका जो पे लेवल है दैट इज 10 वाला पे लेवल है। ठीक है, इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूँ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा उनका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, और डिजायरेबल है अगर आपने MPhil PhD किया हुआ है तो। और इसके अलावा गाइज आपने अगर कहीं पर
रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं तो आपको प्रेफर किया जाता है। तो अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है या पीएचडी में इनरोलमेंट किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। अब गाइस यहाँ बता दूँ जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, लाइक फाइनेंस में वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर की वन पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी दिल्ली में है, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है फाइनेंस सब्जेक्ट में जो कि ओबीसी कैटेगरी की दिल्ली दिल्ली रीजन में है, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप देख सकते हैं जो मार्केटिंग में है पोस्ट, मार्केटिंग की जो पोस्ट है वो प्रोफेसर की है और अनरिजर्व कैटेगरी दिल्ली रीजन के अंदर मेंशन की गई है। इसके अलावा गाइज आप आगे देखेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो पोस्ट है वो प्रोफेसर की एक पोस्ट है अनरिजर्व दिल्ली, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है एससी कैटेगरी में दिल्ली में, और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अनरिजर्व कैटेगरी की एक है दिल्ली में एंड एक है कोलकाता में। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा क्वांटिटेटिव टेक्निक में पोस्ट निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है पीडब्ल्यू कैटेगरी दिल्ली एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट है दिल्ली में और एक कोलकाता में है। देन इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है लाइक ट्रेड ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स में है, इसमें आपकी प्रोफेसर की एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी दिल्ली में, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक कैटेगरी है अनरिजर्व कैटेगरी दिल्ली में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की एसटी कैटेगरी में है दिल्ली में। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो कि इस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इसी रेलेवेंट फील्ड में किया हुआ है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो अप्लाई करने का मेथड है वो ऑनलाइन ही होगा, तो आपको द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली इन द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी मैंशन होगा, तो आपको उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही उसमें फिल करना है देन अप्लाई कर देना है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एपीआई पॉइंट्स एज पर रिक्वायरमेंट एंड डिक्लेरेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो यहाँ पर एपीआई स्कोर जो होता है, एपीआई स्कोर क्या होता है, जो कि आपने कितना स्कोर किया ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं, नेट क्वालिफाई किया है, फिर जीआरएफ क्वालिफाई किया है, इसके अलावा आपने अगर एमफिल या पीएचडी किया हुआ है, तो इन सभी के पॉइंट्स मिलते हैं। इसको बोलते हैं एपीआई, अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एपीआई करके इसका स्कोर होता है। तो वो जिसको जो स्कोर है वो भी रिक्वायर्ड रहता है कई जगह पर, तो यहाँ पर भी ये जो स्कोर है वो रिक्वायर्ड है। और गाइज इसके अलावा यहाँ पे आप एक बार खुद भी गो थ्रू कर लेना, जब आप इस फॉर्म को अगर इंटरेस्टेड हो फिल करना चाहते हो इसको खुद भी गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर क्या होगा, स्क्रूटिनी की जाएगी इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, द स्क्रूटिनी कमेटी में अप्लाई बेंचमार्क हायर देन मिनिमम एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। इनकेस बहुत सारे अगर फॉर्म अप्लाई कर दिए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और थ्रू स्क्रूटिनी कमेटी। ओके गाइज, और इसके अलावा गाइज मैं आपको जो लिंक है इस पीडीएफ का इसी में आपको अवेलेबल करा दूंगा, पीडीएफ का जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके आप खुद भी इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। सो गाइज कुछ कमेंट करना है, कोई डाउट है कुछ कमेंट करके पूछ लेना आप मुझे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।